गुरुवार की प्रातः बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट में व्रत सावित्री पूजा के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष की पूजा की। सुहागिनों ने वृक्ष में रक्षा सूत्र बांध आशीर्वाद मांगा। दरअसल वट वृक्ष पूजा की पौराणिक गाथा है। कहा जाता है कि सावित्री के पति सत्यवान की मौत सांप काटने से हो गई थी और जब यमराज उसके पति को लेने आए तो देखा कि सावित्री अपने पति के मृत शरीर का सिर अपने गोद में लेकर बैठी थी। उसकी पतिव्रता से खुश होकर यमराज ने वरदान मांगने को कहा, जिस पर सावित्री ने उनसे पुत्रवती होने का वर मांग लिया। जब यमराज उसके पति को ले जाने लगे तो वो उनके पीछे चलने लगी और बोली कि जब पति को आप ले जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे हो सकूंगी। और फिर यमराज ने सत्यवान के प्राण को लौटा दिया। सावित्री पूजा है जो जेठ अमावस्या को हम लोग अपने पति के दीर्घायु के लिए ये पूजा करते हैं। वट वृक्ष का पूजा होता है, इसमें लोग फेरे लगाते हैं अपने सौभाग्य के लिए, अपने सुहाग के लंबी उम्र के लिए श्रृंगार का सामान दान करते हैं। सावित्री व्रत है, सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था, इसलिए हर सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए ये व्रत करती हैं। आज के दिन अमावस्या, जेठ मास अमावस्या के दिन अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती है। सब मिलजुल कर करते हैं, नियम फेरे देते हैं, 108 बार पूजा करते हैं और वही प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति की लंबी उम्र हो, लंबी उम्र की कामना करते हैं। वट सावित्री व्रत है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्यशाली स्त्रियां इस व्रत को करती है। अपने सौभाग्य की लंबी आयु की प्राप्ति हेतु इस व्रत को समस्त स्त्रियां करती हैं। ये लोगों की ऐसी मान्यता है कि सावित्री अपने पति सत्यवान की जब मृत्यु हो जाती है तो यमराज से लड़कर अपनी कर्तव्य निष्ठता के कारण अपने पति का को जीवन दान दिलाती है। अपने ससुर के कुलों का भी उद्धार करती है, अपने मायके वालों का भी उद्धार करती है और स्वयं का भी उद्धार करती है। समस्त स्त्रियों को, सौभाग्यशाली स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज पूरे भारतवर्ष में इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है।